शुक्रिया मुत्तहिदा अरब इमारात। एक बार फिर लाहौर में मसनूई बारिश की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से यूएई महकमा मौसमियात की क्लाउड सीडिंग टीम ने मुलाकात की। सरबराह यूएई महकमा मौसमियात की क्लाउड सीडिंग टीम अहमद अल कमाल ने क्यादत की। स्मोक में कमी के लिए एक बार फिर मसनूआत बारिश की कोशिश की जाएगी, मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया। यूएई की टीम मतलूबा बादल आते ही मसनूई बारिश बरसाएगी। मसनूई बारिश के बाद स्मोक लेवल में मज़ीद कमी लाई जा सकेगी। वज़ीर आला ने स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर यूएई की टीम की काविशों को सराहा। पाकिस्तान में पहली बार मसनूई बारिश का लाहौर में कामयाब तजर्बा किया गया। मसनूई बारिश बरसाने से आलूदगी की शराह कई रोज़ तक 200 तक नीचे रही, जबकि उम्मीद है कि जनवरी में मुनासिब बादल आते ही दोबारा मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में पहली बार मसनूई बारिश बरसाकर यूएई की टीम का नाम तारीख का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिदा अरब अमारात के पायलट्स की इस काविश को फरामोश नहीं कर सकते। जनवरी में मतलूबा बादल आते ही मसनूई बारिश बरसाने का दूसरा तजर्बा किया जाएगा। माहरीन के साथ गुफ्तगू में कहा, यूएई की टीम ने शानदार मेहमान नवाजी पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सर्विसेज अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब कलेक्शन सेंटर का क्याम। जदीद सहूलियात से आरास्ता कलेक्शन सेंटर की तामीर का आगाज कर दिया गया। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग में सेंट्रल लैब और कलेक्शन सेंटर शामिल है। इस हवाले से बात कर लेते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। अस्पताल की जो रिवैम्पिंग है उसमें सेंट्रल जो तशखीसी लैब है उसके साथ साथ जो कलेक्शन सेंटर है वो भी जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का मंसूबा जो है वो शामिल कर लिया गया है। और ये सेंट्रल जो लैब है उसका कलेक्शन सेंटर जो है उसको जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है और इसका अमल जो है वो अब भी उसका भी आगाज़ हो चुका है। सर्विसेज अस्पताल की जो है वो गेट नंबर 3 के साथ मुतसल इस कलेक्शन सेंटर को जदीद सहूलतों से आरास्ता करने के साथ साथ जो आउटडोर के जो पेशेंट्स हैं जो अपने टेस्ट करवाने के लिए इस जो है वो कलेक्शन सेंटर से रजू करेंगे उनकी जो है वो फैसिलिटेशन के लिए जो है वो यहाँ पे सहूलतें पैदा की जाएंगी। इसको अपग्रेड किया जा रहा है इस जो है वो कलेक्शन सेंटर को और इसके ज़रिए जो है वो अस्पताल में आने वाले जो आउटडोर पेशेंट्स हैं वो इंतहाई कम रेट्स के ऊपर एक मियारी जो तशखीसी टेस्ट हैं उनकी जो फैसिलिटी है वो हासिल कर सकेंगे। और जो सेंट्रल लैब है उसको जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है जिसमें तमाम तर जो जदीद डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं वो इसमें शामिल होंगी और ये भी सर्विसेज अस्पताल के इस रीवैम्पिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। लेस्को में नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले तरक्की पाने वाले अफसरान को कंपनी बदर का फैसला। ग्रेड 18 था, 21 में तरक्की पाने वाले अफसरान को दीगर कंपनियों में तब्दील किया जाएगा। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लेस्को समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों के अफसरान को कंपनी बदर करने का फैसला किया गया है और वजारत पावर डिवीजन ने इस हवाले से पॉलिसी नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि वो अफसरान जो कि नाकिस कारकर्दगी दिखा रहे हैं उनको दीगर कंपनियों में भिजवाया गया और उसके साथ साथ ग्रेड 18 से ऊपर जितनी भी प्रमोशन होगी तो उनको तरक्की देने के बाद बाकी कंपनियों में तब्दील किया जा सकेगा। और इसके साथ जो नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाली जो कंपनीज हैं जहां पर भिजवाया जा सकेगा उसमें टेस्को पेस्को कैस्को सेप्को और रेस्को को शामिल किया गया है जबकि अच्छी शहरियत की हामिल जो कंपनीज हैं उनमें पेस्को गैस्को आईएसको लेस्को और मैप्को को रखा गया है। तो इनको वाइस वर्सा रखा गया है कि अच्छी कंपनीज वाले जो ऑफिसर्स हैं वो दीगर कंपनियों में जाएंगे ताकि अच्छे तरीके से प्राइस अंजाम दे सके और बाकी सूबों की जो कंपनीज हैं वहाँ के ऑफिसर्स को ग्रेड 18 में तरक्की देने के बाद यहाँ पर भिजवाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक्सीएम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर और जनरल मैनेजर को लेकर जो अफसरान हैं इनको प्रमोशन देने के बाद दीगर कंपनियों में तब्दील करके तकर्री अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, शाहिद सिप्रा बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इन्फोर्समेंट विंग की 14 साल तारीख में रिकॉर्ड कार्रवाइयां, गैरकानूनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाइयां की गईं। ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स की साल 2023 में शानदार कारकर्दगी रही, इस हवाले से मजीद बात करेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो इन्फोर्समेंट विंग है उसकी जानिब से 14 साल तारीख में जो गैर कानूनी गाड़ियां हैं उनके खिलाफ जो है वो रिकॉर्ड कार्रवाई अमल में लाई गई। जो साल 2022 था उसके अंदर तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की गई, जबकि साल 2023 के अंदर जो है वो खिलाफ वर्जी पर 7 करोड़ 90 लाख से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। अगर हम देखें तो जो ओवरलोडिंग है उसके ऊपर 109 गाड़ियों पर कार्रवाई की गई, इसी तरह बग़ैर लाइसेंस जो है 50,000 से ज़ायद गाड़ियाँ, इसी तरह धुआँ छोड़ने वाली जो है गाड़ियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ तकरीबन 20,000 से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। इसी तरह अगर हम देखें रजिस्ट्रेशन ना होने की सूरत में जो है वो 48,000 से ज़ायद गाड़ियाँ थीं, जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो ना होने की सूरत में 10,000 से ज़ायद जो व्हीकल्स हैं उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। फाइक अहमद उनकी जानिब से जो है वो वाज़े तौर पर बताया गया कि जो चालान है उनमें इजाफे का मकसद जो अवाम है उसको ट्रैफिक कवानीन पर जो है वो अमल कराना है और जो ट्रैफिक हादसात है उनमें नुमाया कमी लाना जो है वही मकसद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट स्कैनिंग मशीनें नस्ब करने का फैसला। एयरपोर्ट्स पर जर्मनी से जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता 28 बैगेज स्कैनिंग मशीनें नस्ब होंगी। सईद अहमद सईद हमें तफसीलात बताएंगे। जी सईद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का लाहौर समेत मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर मुसाफिरों की जांच पड़ताल, उनके सामान की स्कैनिंग को बेहतर बनाने के लिए जदीद मशीनें नस्ब करने का फैसला है वो किया गया है। और जर्मनी से जो है वो जदीद मशीनें जो हैं स्कैनिंग मशीनें हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत दिगर बड़े एयरपोर्ट पर हैं वो नस्ब की जाएंगी, जिनकी तादाद है वो 28 बताई जा रही है। और एयरपोर्ट जराए का ये कहना है कि इस मशीनों से ना तो सिर्फ मुसाफिरों की मुकम्मल जांच पड़ताल हो सकेगी बल्कि उनके सामान की स्कैनिंग और जहाज़ के अंदर बारूदी सामान समेत जितने भी गैर ममनू अशिया की जो तरसील होती है जहाज़ के अंदर उसकी रोकथाम के अंदर भी बड़ी जो कामयाबी है वो ऐसे फकाम को है वो हासिल होगी। पाकिस्तान से बजरिया बाय एयर बजरिया जहाज़ यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक में जाने वाले मुसाफिरों की चेकिंग का सिलसिला है वो जदीद इस्तवार के मुताबिक चेक किया जाएगा। जी ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी एन ए 127 का अहम इजलास और बिलावल भुटो जरदारी की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाने पर मुशावरा जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों और रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास का इनेकाद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीपी 161 और फैसल मीर की जानिब से किया गया है। इस इजलास का अहवाल जानेंगे हसन अली से। जी हसन अली, आगाह कीजिएगा। एन ए 127 जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इंतखाबात के हवाले से जो है वो एक अहम इजलास जो है मुनक्किद किया गया, इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ अली कासिम गिलानी साहब जो है मौजूद हैं। गिली भाई, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज जो है वो लाहौर पहुँच रहे हैं, कल सीसी का इजलास भी बुला लिया गया है और कुछ अहम शमूलियतें भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, कैसे देखते हैं ख़ासतौर पर अगर हम एन ए 127 की बात करें? देखिए, एन ए 127 में जब से बिलावल साहब ने इलेक्शन लड़ने का अनाउंस किया है तो हमारी टीम्स जो हैं वो ग्राउंड पे गईं चेयरमैन साहब का मैसेज लेके, क्योंकि पहले इस हलके से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर साहब थे। अवामी राबता मुहिम शुरू की हुई है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिफरेंट टीम्स काम कर रही हैं ग्राउंड पे, डोर टू डोर कैंपेन में कुछ टीम्स हमारी कॉर्नर मीटिंग्स में लगी हुई है और मुझ समेत कुछ ऐसे टीम्स हैं जो कि डिफरेंट बिरादरियों से कैंडिडेट्स के साथ रबते में हैं। इस हलके में फ़िलहाल सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नज़र आ रही है कैंपेन में, हमें ग्राउंड पे कोई और जमात इस दफ़ा इस वक्त नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरे साथ सैयद अली कासिम गिलानी साहब जो मौजूद थे, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर समेत पंजाब भर में सरप्राइज देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी ना करने वालों के खिलाफ भी हाईकोर्ट से रुजू किया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का तहरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया और इस दरख्वास्त में ये इस्तदआ की गई है कि इलेक्शन कमीशन का बल्ले निशान वापस लेने का फैसला कलम करार दिया गया और ये भी
इस इकदार की गई है कि अदालत जो है वो बिजली के पंजाब में खवातीन की मुख्तलिफ विशेषताओं की फरिश्तें जारी करने का मौका दे। लाहौर के जस्टिस जवाद हसन इस दरखास्त पर कल सुनवाई करेंगे। ये दरखास्त बिजली के रहनुमा उमर अफ्ताब बिल्लू और बिलाल नासीमा की जानिब से दायर की गई है। उस दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और भारतीय हुकूमत पंजाब हुकूमत में दीगर को शरीक बनाया गया है और इसमें यह मौका तैयार किया गया कि पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान पर पाबंदी का फैसला मौसर किया था और मजीद इसमें यह भी कहा गया है कि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले का इलेक्शन कमीशन पंजाब ने खवातीन के मशहूर डिस्ट्रिक्टों की जो फरिश्त है वो जारी नहीं की। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ।